प्राण प्रतिष्ठा होते समय भगवान के आंखों पर यह पट्टी क्यों बांधी जाती है और ये पट्टी खोलते ही ये शीशा कैसे टूट जाता है। हमारे अयोध्या के राम भगवान के विग्रह पर भी ये पट्टी बांधी गई थी। प्राण प्रतिष्ठा होते समय भगवान के आंखों पर ये पट्टी बांधना एक शास्त्रीय विधि है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है मंत्रों द्वारा, यज्ञों द्वारा या आवाहन द्वारा उस मूर्ति के अंदर प्राण डालना, मतलब चेतना डालना। उसके बाद ही वो मूर्ति मंदिर में पूजा करने के लिए रखी जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा भी दो प्रकार की होती है, एक चल और दूसरी अचल। जब आप आपके घर के अंदर ही भगवान की मूर्ति की पूजा करते हो उसमें चल प्रतिष्ठा करनी होती है, और जब आप घर बदलते भी हो तब आप उस मूर्ति को आपके साथ लेकर जा सकते हो। पर अचल प्रतिष्ठा में भूमि को संकल्पित किया जाता है, मतलब अब वो भूमि हम भगवान के लिए संकल्पित कर रहे हैं, मतलब अचल प्रतिष्ठा के बाद वो भूमि सिर्फ भगवान के लिए ही रहेगी। और शीशा टूटने का कारण यह है, कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मूर्ति की ऊर्जा है वो शीशे के अंदर प्रतिबिंबित होती है। हरे कृष्णा।